तो दोस्तों आज इस वीडियो में बताएंगे हम आपको कि जंगल से तिगड़ू कैसे निकालते हैं और कैसे बनाते हैं। तो कृपया दोस्तों आप पूरी वीडियो देखें अगर आपको देखना है कि जंगल में इसकी पहचान कैसे की जाती है और कैसे इसको निकाला जाता है। तो दोस्तों अभी मैंने जंगल से ला के इनको साफ कर दिया है, आप देख सकते हैं दोस्तों कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो दोस्तों आज आ रखे हम जंगल में तिगड़ू खोदने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया नज़ारा है। तो दोस्तों यहाँ पे आज हम तिगड़ू खोदने के लिए आ रखे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे जंगल में आ रखे हम। और यहाँ पे ये हमने एक लगला देखा है, आप देख सकते हैं काफ़ी मोटा है, शायद इस पर काफ़ी अच्छे तिगड़ू निकल सकते हैं, बोले तो 2.5-3 किलो तेड़ू यहाँ पे आसानी से हमें मिल जाएगा। तो हम दोस्तों हमें इसके अंदर ज़मीन के नीचे खुदाई करनी पड़ेगी और काफ़ी गहरा रहता है ये तेड़ू जो रहता है। तो चलो दोस्तों इसकी खुदाई हम चालू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे काफ़ी खुदाई कर ली है, आप देख सकते हैं ऊपर से ये नीचे जा रखा है और नीचे से यहाँ से तेड़ू लगना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये नीचे से काफ़ी फैल रखा है, ये देख सकते हैं आप, और यहाँ नीचे और भी नीचे और भी नीचे घुस रखा है ये और पूरा फैल रखा है, ये यहाँ भी फैल रखा है और ये यहाँ भी फैल रखा है, आप देख सकते हैं। और ये मैंने यहाँ से कुछ निकाल दिया है और कुछ अभी निकालना बाकी है, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ अंदर भी घुस रखा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और नीचे भी देख सकते हैं आप दोस्तों, ये पूरा का पूरा तेड़ू है। और ये पहाड़ी तेड़ू है और इसकी सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनती है हमारे उत्तराखंड में, पहाड़ी इलाकों में बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनती है। तो चलो दोस्तों इसको हम पूरा निकाल देंगे। तो दोस्तों जंगल से हम तेड़ू निकाल के घर आ गए हैं, आप देख सकते हैं हमने वहाँ पे इतना तेड़ू खुदाई करके पाया है। तो दोस्तों इसको सबसे पहले हम अच्छे से धो लेंगे क्योंकि इस पर बहुत ही ज़्यादा मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर रहते हैं, तो इसको अच्छे से धोएंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों इसको ना बड़ी बारीकी से धोना पड़ता है, इसको मोटा मोटा धोएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मुंह में खाते टाइम मिट्टी और पत्थर आ जाते हैं, तो इसको हमें एक एक करके और बढ़िया से धोना पड़ता है। तो पहले तो हम मोटे मोटे में भी धो सकते हैं जिससे कि ये मिट्टी और पत्थर वगैरह बह जाएं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसको हम अच्छे से धोएंगे तब जाके इसको खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, तो फाइनली हमने आप देख सकते हैं और तेड़ू हमने साफ धो दिए हैं, आप देख सकते हैं अभी कितने अच्छे लग रहे हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि अभी हमारा उत्तराखंड का कितना बढ़िया नज़ारा लग रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलो दोस्तों इसको अब हम पतीली में डालेंगे और बॉयल करने के लिए रख देंगे, इनको हम धीरे धीरे पतीली में डालेंगे। और जो इनको इनका जो बॉईल करने का स्टाइल होता है, तो ये मान के चलो आप जैसे हम आलू बॉईल करते हैं वैसे ही हमें इनको बॉईल करना होता है, और कच्चे रह जाएंगे तो इनमें फिसलन ज़्यादा होती है, तो हमें ये अच्छे से बॉईल करने हैं। तो दोस्तों हमने इसमें पानी डाल दिया है, थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और इसको अब बॉईल करने के लिए चूल्हे में रख देंगे और इसको बनाएंगे हम दोस्तों पहाड़ी स्टाइल में, आप देख सकते हैं हमने चूल्हा चूल्हे में चढ़ा दिया है, इसके ऊपर से हम ढक्कन रख देंगे। तो दोस्तों इसको हम कम से कम 10 मिनट तक बॉईल करेंगे तब जाके हमारा अच्छा सा जो तेड़ू है वो बॉईल हो जाएगा। तो दोस्तों इसको बॉईल होते हुए 10 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम आप देख सकते हैं हमारे तेड़ू पूरे बॉईल हो गए हैं। अब इसको हम पलट देंगे एक परात में और इसको दोबारा से अच्छे से एक बार वॉश कर लेंगे क्योंकि इसमें अभी भी हल्की मिट्टी की मात्रा है, तो इसको अच्छे से अभी फिर धोएंगे और धोने के बाद इसको बढ़िया से काट देंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों अभी बॉईल होने के बाद कितने बढ़िया लग रहे हैं हमारे तेड़ू। दोस्तों इसको अच्छे से धोना है, एक एक करके धोना है क्योंकि इसमें मिट्टी चिपक जाती है, तो हमें इसको बढ़िया से धोना है, आप देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आजकल उत्तराखंड में सर्दियों के टाइम पे पहाड़ी इलाकों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सब्जी तेड़ू की सब्ज़ी बनाई जाती है। तो दोस्तों तो आप देख सकते हैं मैंने पूरे तेड़ू काट दिए हैं। तो दोस्तों अब तेड़ू को पहाड़ी स्टाइल में बनाना
स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे साबुत धनिया लिया है, लाल मिर्च बारीक बारीक कटी हुई, और ये मैंने यहाँ पे भांग के कुछ बीज लिए हैं। इससे क्या होगा कि तेड़ू हमारा बहुत ही सॉफ्ट होता है, और जब ये भांग के बीज अच्छे से भून जाते हैं तो खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रंचीपन इनमें आता है। तो तेड़ू के साथ ये बहुत ही ज़्यादा मैच करता है। तो इसमें डाला मैंने बारीक कटा हुआ लाल मिर्च, और इसको अच्छे से ब्राउन कर देंगे। अब इसमें डालूंगा मैं साबुत धनिया, और इसको भी अच्छे से ब्राउन कर देंगे। तो दोस्तों ये जो तरीका है हमारा, ये प्योर पहाड़ी तरीका है बनाने का। जो इसमें डालेंगे आप भांग के बीज, और ये थोड़ा और फटने के चांसेस इनके ज़्यादा रहते हैं क्योंकि ये पूरे पैक रहते हैं, तो इनको इस टाइम हमें थोड़ा संभल के फ्राई करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे दोनों के दोनों चीज़ें अच्छी सी ब्राउन हो गई है। अब इसमें डालेंगे दोस्तों हम मसाले। पहले हल्का सा जीरा डालेंगे। एक बार इसमें डाला मैंने जीरा, और जीरा को अगर पहले डालेंगे तो वो पूरा काला पड़ जाएगा, इसका टेस्ट मर जाएगा। अब इसमें डाला है मैंने सिलवट्टे से पिसा हुआ मिक्स मसाले। इसमें सारे खड़े खड़े मसाले डाल रखे हैं पहाड़ी, और ये मैंने और लाल मिर्च अच्छे से पीस रखी है, और इसमें डाला मैंने हल्की सी हल्दी, और इसको बढ़िया से मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों हमारा मसाला तैयार हो गया है। इसमें डालेंगे आप थोड़ा सी नमक स्वाद अनुसार, और ये हमने इसमें नमक ऐड किया। अब इसमें डालेंगे दोस्तों हम तेड़ू, और ये हमने इसमें और धीरे धीरे इसमें तेड़ू डाल देंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों और कितने छोटे छोटे पीस कर रखे मैंने, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होता है दोस्तों पहाड़ी तेड़ू जो हमारे उत्तराखंड में पाया जाता है। तो इसको अच्छे से हम फ्राई कर देंगे दोस्तों, और ये हमने अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। तो दोस्तों जो ये तेड़ू है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा विटामिन पाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा खाने में भी मज़ा आता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों पहले से हमारा तेड़ू काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये जो स्टाइल है, ये पहाड़ी स्टाइल से मैंने तेड़ू बनाया है। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया और कितने लाजवाब हमारे तेड़ू की सब्ज़ी बन रखी है। तो चलो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।